स्टूडेंट्स, रिंग थ्योरी में हम लोगों ने डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स वगैरह कुछ देखा था, ठीक है। एंड डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग एंड यूनिटी, ये सब का मतलब हम लोगों ने बोला था, सीआरयू का भी मतलब बोला था। तो आज हम लोग मेनली जो काम करेंगे, एक स्पेशल टाइप का एक रिंग है, उस रिंग का नाम है पॉलिनोमियल रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रिंग का नाम क्या है? पॉलिनोमियल रिंग्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिंग है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि देखो, इसका लैंग्वेज पहले समझना पड़ेगा, पॉलिनोमियल रिंग क्या है। ऐसे तुम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानते हो, बट यहाँ पे हम लोग जो जानेंगे वो क्या है बोलो तो, पॉलिनोमियल रिंग्स। पहले देखो कि एक रिंग है, रिंग का मतलब जानते हो, मैंने बोला भी था। देखो, लेट कैपिटल आर बी ए रिंग, ठीक है। लेट कैपिटल आर, आर कोई भी एक रिंग है, ठीक है। रिंग है मतलब क्या, वहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट सिंबल, मैंने बोला भी था। लेट आर बी ए रिंग, लेट एक्स, लेट स्मॉल एक्स बी ए वेरिएबल, ठीक है। स्मॉल एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ये, इसको जस्ट एज ए सिंबल सोचो। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और जस्ट आ सिंबल, ठीक है। तो इसके ऊपर उतना ये नहीं करना, एक्स इज ए वेरिएबल और जस्ट ए सिंबल। अब देखो यहाँ पे जो मेन बात है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, डेफिनेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन आर। इन आर का मतलब, ए आर है, आर मतलब एक नॉन एम्प्टी सेट, एक रिंग है, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ए तुम्हारा है रिंग आर, फॉर द रिंग आर, ठीक है। आर इज द नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये जो नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने बोला भी था, फंक्शन भी हो सकता है, उसमें एलिमेंट्स मैट्रिक्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और भी वेरियस टाइप का चीज़ हो सकता है। बट ये जो आर है ए, ठीक है। तो और बट जब हम लोग ए आर यूज करते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली तुम ऐसे भी कर सकते हो, तो ए आर क्या है बोलो तो, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ तुमको अच्छे से ध्यान में रखना है। रिंग में हम लोग मेनली इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये जो आर है इसको हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे, वो भी तो एक रिंग फॉर्म पकड़ता है ना। हम लोगों ने देखा था, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो ए रिंग, और वो तुम्हारा सी आर यू होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे सिंपली आर एक रिंग है, तो आर एक रिंग माने वो कोई भी सेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज द आर रिंग। अब देखो, पहला जो डेफिनेशन है वो तुम्हारा है पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर, किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिखो, ए पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर मीन्स जो रिंग है उसके ओवर में, ए पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर, पहले इसका मतलब समझेंगे। पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल किस में है, इन एक्स में। ओवर आर का मतलब क्या है, आर से आएगा, जैसे बोलते हैं ना ओवर द फील्ड एफ, तो सेम बात यहाँ पे, ए पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर, इसका मतलब है देखो, दिस इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन, दिस इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या, देखो ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन, पॉलिनोमियल में तुम लोग किए थे, बट यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, देखो ए एन एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे होगा ए वन एक्स एंड ए नॉट, ठीक है। तो ए तुम्हारा क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर। तो यहाँ पे मेंशन करो व्हेयर एन क्या है, यहाँ पे लिखो व्हेयर एन इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, व्हेयर एन इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एंड ये जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट मीन्स यहाँ पे
an, an माइनस वन, an माइनस टू, a वन, a नॉट, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब आएगा तुम्हारा रिंग का एलिमेंट से, R, R इज द रिंग। अब ए रिंग का एलिमेंट क्या हो सकता है? तुम्हारा नंबर हो सकता है, मैट्रिसेस हो सकता है, मतलब कोएफिशिएंट में मैट्रिक्स भी आ सकता है, फंक्शंस भी आ सकता है, ठीक है? तो वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। वायर एनी जे एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड एंड ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए वन, ए नॉट बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू आर, माने रिंग में से ये आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? तो एग्जांपल देखते हैं थोड़ा। देखो एग्जांपल्स के हम लोग डिफरेंट टाइप का रिंग लेंगे। कुछ बेसिक जो रिंग है, नंबर वन बोलो तो जेड प्लस डॉट क्या होता है? एक रिंग होता है। तो मैंने रिंग क्या लिया? मैंने आर लिया, आर लिया क्या? जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है? तो बोलो तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मैं अगर तुमको बोलूँ कि ए पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर, ओवर क्या? ओवर रिंग मैंने क्या लिया? जेड। ए पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर जेड, इसका एलिमेंट्स क्या होगा? एलिमेंट्स तो बहुत सारा होगा ऐसे, ठीक है? तो ध्यान में क्या रखना है कि कोएफिशिएंट जो आएगा ना वो आर से आएगा। आर मींस रिंग से, आर मींस रिंग, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर केस है। तो आर मींस यहाँ पे रिंग से आएगा। तो यहाँ पे रिंग मेरा क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसका एलिमेंट क्या होगा बोलो तो? इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट होगा जहाँ से क्या आएगा बोलो तो, जहाँ से तुम्हारा, सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, देखो कि एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब प्लस माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एलेवन, ठीक है? तो ए बोलो तो ए क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल है, ओवर क्या बोलो? ओवर, ओवर जेड, ओवर जेड क्यू। देखो तो कोएफिशिएंट जो है, ये जो कोएफिशिएंट्स है ये सब कहाँ से आया है? सब इंटीजर से आया है ना। तो यहाँ से मैं बोलूँगा क्या कि द कोएफिशिएंट्स आर, यहाँ पे लिखो तो कॉमा देके लिखो, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या है बोलो तो? यहाँ पे कोएफिशिएंट्स तुम्हारा है कोएफिशिएंट टू माइनस सेवन फाइव माइनस एलेवन, ठीक है? देखो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कितना पॉलिनोमियल रिंग है, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले अगर आर अगर जेड है तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द पॉलिनोमियल इन क्या? इन एक्स ओवर आर। तुम कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ ध्यान में रखना है क्या? पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर जेड में क्या होगा? तुम्हारा कोएफिशिएंट कोई भी इंटीजर आ सकता है, एंड एक्स के पावर तुम क्या कर सकते हो? कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ले सकते हो, वो अपने मन से कर सकते हो। मैं जस्ट एक तुमको लिख करके दिखाया। अब नंबर, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो। सेकेंड मैंने क्या लिया? आर के जगह पे मैंने ले लिया बोलो तो क्यू भी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर क्या फॉर्म करता है? रिंग फॉर्म करता है। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो क्या किया बोलो तो, इस जगह पे मैंने ऐसे कर लिया। सपोज मैंने लिया थ्री एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब माइनस 9.3 एक्स स्क्वायर प्लस 7/3 एक्स माइनस 2। अब देखो तो ये क्या है तुम्हारा? दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल है, ओवर क्या? ओवर, ओवर आर, ओवर आर में यहाँ पे क्या है? रैशनल नंबर्स है, ठीक है? तो आप एक बात सुनो, मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर क्यू। क्यों बोलो तो? कारण जो जेड होता है, जेड तो क्यू का सबसेट होता है ना, तो इस हिसाब से मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर क्यू। तो ये क्या है बोलो तो? दिस इज ए पॉलिनोमियल ओवर, पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर क्यू। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है? द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, देखो द कोएफिशिएंट्स इज 3 माइनस 9.3 7/3 एंड क्या? माइनस 2।
ठीक है। अब देखो नंबर थर्ड इज, अब देखो मैंने जो रिंग लिया ना, जो आर लिया है वो क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसमें क्या होगा बोलो तो, इसमें हमको जो पॉलीनोमियल लेना है उसमें क्या लेना है, कोएफिशिएंट मस्ट कम्स फ्रॉम रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स मैं अगर ऐसा किया, देखो मैंने लिया पाई पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, पाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 11/7 x प्लस रूट टू। देखो तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स आया है वो कहाँ से आया है, द कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम रियल नंबर्स। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, कॉमा कोएफिशिएंट क्या है बोलो, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इज पाई माइनस 11/7, उसके बाद क्या है रूट टू, ठीक है। तो दिस इज अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर आर, ओवर आर में यहाँ पे क्या है बोलो तो, ओवर आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे रिंग मैंने पर्टिकुलरली क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ध्यान में रहे कि ये जो रिंग है ना, एक कुछ भी रिंग हो सकता है, कोई भी सेट का हो सकता है, ए जेड भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, सेट ऑफ मैट्रिक्स का भी काम हो सकता है, ठीक है, फंक्शंस का भी काम हो सकता है, मीन्स पॉलीनोमियल ऑफ पॉलीनोमियल जो रिंग है ना वो पॉलीनोमियल कोएफिशिएंट भी हो सकता है। यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे ये क्या है बोलो तो, कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। नंबर फोर मैंने लिया सपोज कि देखो ये जो आर है रिंग, इसको मैंने लिया क्या, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी सी सी। तो यहाँ से देखो मैंने एक लिया आई एक्स क्यूब माइनस 1 + 2i x² प्लस 2x - 5। अब देखो तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कहाँ से आ रहा है, कोएफिशिएंट्स आ रहा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि तुम्हारा ये है कोएफिशिएंट क्या है बोलो, द कोएफिशिएंट्स आर आई आई माइनस क्या 1 + 2i (2, -5, ठीक है। तो दिस आर द सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखो, रिंग, ये जो रिंग है यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया ये सब क्या है, जस्ट मैंने तुमको समझाया कि कोएफिशिएंट के हिसाब से क्या हो रहा है कि पॉलीनोमियल जो रिंग है ना, सॉरी पॉलीनोमियल रिंग तो अभी मैं नहीं आया हूँ, मैं उसको समझाऊंगा। मैं पहले पॉलीनोमियल के बारे में समझाया कि पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर रिंग चेंज होने से कैसे वो पॉलीनोमियल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग देखेंगे क्या, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल होता है लार्जेस्ट क्या, एक्स के पावर देखना पड़ेगा तुमको, लार्जेस्ट पावर क्या है यहाँ पे एक्स, बट ध्यान में क्या रहे कि उसका जो लार्जेस्ट है ना उसके कोएफिशिएंट क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसका हम लोग डेफिनेशन भी पहले लिख लेते हैं। तो लिखो डेफिनेशन लिख लो उसका, कि सपोज मैंने बोला कि लेट एफ एक्स क्या है, an(x^n), an-1(x^n-1), an-2(x^n-2), and so on, an-1x, an, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमको मैं वो पूछूँ कि इसका डिग्री का मतलब क्या है, तो डिग्री ऑफ क्या, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि डिग्री ऑफ fx वो क्या होगा, लार्जेस्ट जो पावर है x का, तो क्या लिखोगे, लार्जेस्ट n such that an is not equal to zero, ठीक है, लार्जेस्ट n such that an is not equal to zero। तो उस हिसाब से मुझे बोलो तो इसका डिग्री क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ दिस वन, यहाँ पे अगर मैं डिग्री लिखूँ क्या बोलो तो, दिस डिग्री इज 3, इसका भी डिग्री क्या होगा 3, इसका डिग्री 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं 5 करता तो इसका डिग्री क्या होता, इसका डिग्री होता तुम्हारा, डिग्री इज
फाइव, ठीक है। तो ए हो गया मेरा एग्जाम्पल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अब जो मैं मेन काम करूँगा, अब जो मेन काम करूँगा, एक सेट डिफाइन करूँगा, मीन्स पॉलिनोमियल रिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अब मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीन्स रिंग का जो प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स मैं दिखाऊँगा कि पॉलिनोमियल से कैसे रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसी लिए पॉलिनोमियल रिंग है। तो यहाँ पे के एक बात देखो, यहाँ पे कि लेट नहीं, यहाँ पे पहले डिफाइन करो ये जो आर एक्स है ना, आर स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो आर एक्स इसका मतलब क्या है कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर आर। अब मैंने तुमको तो अभी समझाया ना कि पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर का मतलब क्या है, एग्जांपल देके समझाया, और सेट ऑफ ऑल का मतलब क्या है, जितना सारा पॉलिनोमियल्स है किसके ओवर में, आर के ओवर में, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा, देखो उसके अंदर एक्स एक्स का पावर क्या है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कॉन्स्टेंट हो सकता है, एक्स टेन एक्स हंड्रेड एक्स थाउजेंड। तो यहाँ ये क्या है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर आर। तो इसको मैं एक बार बॉक्स कर दूँ, यहाँ पे ये जगह तुमको समझना पड़ेगा। अब आर चेंज होगा, अगर आर आर मीन्स अगर रिंग चेंज होगा तो वो सेट भी चेंज हो जाएगा, तो दिस इज द आर एक्स। अब देखो स्टूडेंट, मैं जस्ट तुमको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि रिंग में, ये जो रिंग है, रिंग में तो एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब तुम बोलोगे सर फाइनाइट रिंग का एग्जांपल दीजिए, जैसे देखो जेड टू क्या है, जेड टू इज द फाइनाइट रिंग, इसमें कितना एलिमेंट होता है, जीरो आर वन ही तो होता है ना, जीरो आर वन होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि जेड थ्री, जेड थ्री क्या है, जेड थ्री में क्या है, जीरो, या फिर जेड एन बोलो, जेड एन में क्या होगा, जीरो वन टू एंड सो ऑन एन माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये जो जेड टू है, ये असल में क्या है, एक रिंग है, तो जेड टू तुम्हारा रिंग है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जेड टू क्या करता है, एडिशन मॉड्यूलो टू एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो टू के अंदर में क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है, एंड दिस इज द यहाँ पे जो रिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रिंग है, सिर्फ रिंग बोलो, कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, बट यहाँ पे यूनिटी नहीं है रिंग। तो अब देखो ये जो रिंग है इसमें कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, दिस इज द फाइनाइट रिंग। बट अगर तुम देखने जाओगे ना कि आर एक्स, आर एक्स मीन्स क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर आर। अब मैं अगर तुमको पूछूं, देखो अब मैं तुमको अगर पूछ रहा हूँ कि मुझे बोलो तो मैंने रिंग क्या लिया, आर के जगह पे मैंने क्या लिया, जेड टू, सपोज आर के जगह पे मैंने क्या लिया, जेड टू। देखो आर क्या है, आर इज द रिंग, कोई भी रिंग ले सकते हो, मैंने एक रिंग लिया जेड टू, जेड टू तो रिंग है ना, तो जेड टू रिंग है, और जेड टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स लिया मैंने, इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर आर। अभी बोलो तो पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर का मतलब अभी हम लोगों ने समझाया था, तो अब बोलो पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर जेड इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम इंटीजर्स, यहाँ पे क्या है जेड टू, रिंग के जगह पे मैंने क्या लिया है, जेड टू, जेड टू का मतलब क्या है, जीरो वन, तो कोएफिशिएंट कम्स फ्रॉम क्या, कोएफिशिएंट कम्स फ्रॉम जीरो वन। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि मुझे एक बात बोलो, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल अगर लूँगा तो क्या आएगा, जीरो, एक जीरो आएगा, सॉरी सभी इंटीजर आ जाएगा, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, नहीं नहीं मैंने मिस्टेक किया, ए नहीं, तो जेड टू, जेड टू का मतलब क्या है, जेड टू का मतलब यहाँ से कांस्टेंट के लिए क्या आएगा बोलो तो, जीरो आर वन आएगा, जीरो आर वन, और वन डिग्री पॉलिनोमियल बोलूँगा तो क्या आएगा बोलो तो, एक्स एक्स प्लस वन, टू डिग्री के लिए क्या करूँगा, सिंपली एक्स स्क्वायर सबके साथ जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, एक्स स्क्वायर लिखने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसके बाद क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब, उसके बाद सबके साथ जोड़ो, पहले में क्या होगा, जीरो वन कितना है, दो टर्म, उसके बाद क्या है, इसमें भी दो टर्म है वन डिग्री का, उसके बाद फोर डिग्री का कितना टर्म, टू डिग्री का कितना है, चार टर्म, थ्री डिग्री का आठ टर्म, ऐसे फोर डिग्री का कितना होगा, 4 डिग्री का 16 टर्म होगा, ऐसे 5 डिग्री का 32, ऐसे चलते जाएगा ना। तो इसका मतलब कोई अगर मुझे पूछे कि जेड टू एक्स में इतना डिग्री का कितना टर्म है, तो मैं वो फाइनाइट ही होगा, बट मैं अगर कोई पूछे कि जेड टू एक्स में कितना एलिमेंट्स है, तो देन द एलिमेंट्स आर क्या, देन द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। क्यों बोलो, कारण देखो जेड टू में दो एलिमेंट है, बट
मैं तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टेन एक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एक्स फाइव हंड्रेड एक्स वन हजार सॉरी वन थाउजेंड ऐसे तो मैं ले सकता हूँ ना अपने हिसाब से, मैं कितना भी डिग्री ले सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि रिंग में है फाइनाइट एलिमेंट, जेड टू इज द फाइनाइट रिंग, बट जो तुम्हारा जेड टू एक्स है ना इसमें क्या है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ भी कराऊंगा कि ये रिंग है या नहीं है, मतलब तुमको समझाऊंगा एक बार। तो ये बात है, तो आर एक्स का मतलब क्या है, आर एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स, उसमें क्या होगा सभी पॉलीनोमियल्स आएगा किसमें, इन एक्स में, ठीक है, एंड ओवर आर, दिस इज द आर एक्स। देखो मैं अगर तुमको पूछ बोलूँ कि ए क्या है, ए आर एक्स है, तो अगर मैं तुमको पूछूँ कि ए क्या है, दिस इज द जेड एक्स, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स इन एक्स ओवर जेड, दैट मीन्स द पॉलीनोमियल्स ऑल पॉलीनोमियल्स हुज कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम इंटीजर्स। अगर मैं पूछूँ कि क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या होगा, क्यू एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स इन एक्स ओवर क्यू, मीन्स द ऑल पॉलीनोमियल्स इन एक्स हुज कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम रैशनल नंबर्स। तो उसमें क्या आएगा बोलो, तो उसमें सभी डिग्री का पॉलीनोमियल्स आएगा एंड साथ ही साथ सभी कोएफिशिएंट्स आएगा, इंटीजर बोलो या फिर रैशनल नंबर्स बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो बोलो, तो कि रिंग में अगर फाइनाइट एलिमेंट है तब भी मैं क्या बोल सकता हूँ कि तुम्हारा आर एक्स में कितना एलिमेंट होगा, आर एक्स में तुम्हारा जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिखो कि आर एक्स, एक नोट करो, नोट क्या, आर एक्स इज ए इनफाइनाइट सेट। हाँ, तो एक बात सही है कि तुम्हारा आर को मस्ट बी नॉन जीरो रिंग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट जीरो है तो तब तो आएगा ही नहीं, कोई भी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिखूंगा कि आर एक्स इज ए इनफाइनाइट सेट, ब्रैकेट में लिखो, प्रोवाइडेड आर इज नॉन जीरो। ठीक है, सिर्फ जीरो एलिमेंट मीन्स ट्रिवियल रिंग होने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो ए हो गया ए बात। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं पहले तुमको ये जो आर एक्स है, ये जो रिंग हो रहा है, ये रिंग फॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर मैं पहले काम करूं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आर एक्स को थोड़ा सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो आर एक्स का मतलब क्या है बोलो, तो आर एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर आर। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए एन एक्स सॉरी ए ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है, सच दैट क्या बोलो, तो सच दैट जो एन है वो क्या है, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, सच दैट एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड जो कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स कौन बोलो, तो यहाँ पे ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए नॉट, ये सब क्या है बोलो, तो द कोएफिशिएंट कम्स फ्रॉम द रिंग आर, दिस इज द रिंग आर। यहाँ पे आर क्या है, आर इज ए रिंग, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कॉमा क्या लिखोगे कि ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू एंड सो ऑन, ए वन ए नॉट बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू रिंग आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या, आर इज ए रिंग। अब देखो यहाँ पे पहले तो मेन बात मैं यहाँ पे तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आर एक्स है ना, ये रिंग फॉर्म करेगा। इसको समझाने के लिए पहले मुझे बोलो रिंग में क्या होता है, दो ऑपरेशन होता है ना, सिंपली बोलो आर प्लस डॉट, दिस इज द एडिशन एंड दिस इज द मल्टीप्लीकेशन सिंबल वाइज। ठीक है, तो अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि
आर एक्स में जो रिंग फॉर्म हो रहा है, आर एक्स एक रिंग फॉर्म करेगा एंड दैट रिंग इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग. हाँ, पॉलिनोमियल रिंग, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग ओवर पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर आर. अब देखो इसको मैं तुमको समझाने के लिए, क्योंकि ये रिंग कैसे हो रहा है, रिंग में दो ऑपरेशन है, एडिशन यहाँ पे कैसे काम करेगा और मल्टीप्लीकेशन कैसे काम करेगा, उसको मैं तुमको थोड़ा समझा रहा हूँ. तो रिंग स्ट्रक्चर गिवन करने के लिए मैं एडिशन और मुझे मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना पड़ेगा. तो लिखो, वी वांट टू गिव रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, किसके लिए, टू आर एक्स, ठीक है, आर इज अ रिंग. अब देखो यहाँ पे हम लोग पहला काम क्या करेंगे, एडिशन. तो देखो एडिशन, लिखो एडिशन ऑन आर एक्स. आर एक्स में जो एडिशन है वो किस हिसाब से डिफाइन होगा, अब मुझे बोलो यहाँ पे आर एक्स का एलिमेंट्स क्या है. आर एक्स का एलिमेंट क्या है, पॉलिनोमियल्स ना, एंड पॉलिनोमियल्स में जो कोएफिशिएंट वो कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, रिंग से आ रहा है. तो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो क्या करेंगे कि अगर मैं सपोज मैंने क्या किया, लेट एफ जी दो पॉलिनोमियल है, लेट एफ जी बी द पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर आर, ठीक है. तो लेट एफ जी बिलोंग्स टू क्या, मैंने बोला के आर एक्स, ठीक है. तो यहाँ पे एफ जी को ऐड करने का मतलब क्या है, एफ प्लस जी को ऐड करने का मतलब क्या है, एक प्लस जी को ऐड करने का मतलब तुमको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि एक बात देखो. पहले तो मुझे बोलो, सपोज मैंने अभी देखा ना कि एफ सपोज एक पॉलिनोमियल है ए एन एक्स टू दी पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एंड ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, ठीक है, ए वन एक्स ए नॉट, ठीक है. तो इसमें देखो तो ये सब क्या है बोलो तो, एक एक टर्म है ना, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल, टोटल में पॉलिनोमियल, दिस इज मोनोमियल, तो ये सब क्या है, दिस इज द मोनोमियल्स. तो अब यहाँ पे देखो इसका इस मोनोमियल का डिग्री कितना है, एक्स टू दी पावर एन मीन्स एन, यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ पे एन माइनस टू, यहाँ पे ए, यहाँ पे वन डिग्री, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो अब सुनो, दो पॉलिनोमियल अगर है तो दो पॉलिनोमियल अगर है तो उसको हम लोग ऐड किस हिसाब से करते हैं, सेम डिग्री को. तो हम लोग यहाँ पे एक रूल लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कि लिखो टू ऐड, लिखो टू ऐड एफ एंड जी. मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एफ और जी को ऐड करना चाह रहा हूँ. टू ऐड एफ एंड जी, वी ऐड like terms, that is kya, that is we add coefficients, that is we add coefficients of monomial of same degree, ठीक है. तो यहाँ पे क्या समझ पा रहे हो, देखो इसको समझाने के लिए मैं तुमको जस्ट एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज मानो कि मैंने क्या किया, एक एफ लिया एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक पॉलिनोमियल लिया इन एक्स में एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस टू एक्स टू दी पावर फोर सेवन एक्स क्यूब प्लस वन, ऐसा कुछ. तो इसको कैसे ऐड करोगे, इसको ऐड करने का मतलब है therefore f प्लस जी क्या होगा, सेम क्या देखेंगे, टू ऐड एफ एंड जी वी ऐड लाइक टर्म, दैट मीन्स वी ऐड कोएफिशिएंट्स ऑफ मोनोमियल्स ऑफ सेम डिग्री. सेम मोनोमियल मीन्स x टू दी पावर फोर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी x टू दी पावर फोर है तो उसका कोएफिशिएंट को जोड़ेंगे. तो यहाँ पे x टू दी पावर सिक्स यहाँ पे है तो सिर्फ x टू दी पावर सिक्स, यहाँ पे बोले x टू दी पावर फोर के लिए वन है, यहाँ पे माइनस टू तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन, दैट मीन्स माइनस x टू दी पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब और प्लस सेवन एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4x क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2. तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो तो, दिस इज द एडिशन बिटवीन दिस टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है. तो ऐसे हिसाब से हम लोग एडिशन करेंगे. अगर मैं इसको जनरल वे में लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं जनरल वे लिखूँगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे कि सपोज मैंने क्या बोला कि इसको f ले लिया, अच्छा सपोज मानो कि ये f है तुम्हारा, तो अगर ये f है देखो कि मैंने क्या लिया, एफ लिया क्या,
एफ इज ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, ए एन माइनस सॉरी ए वन एक्स ए नॉट, ठीक है। तो एंड जी मैंने लिया क्या, जी मैंने लिया बी एन एक्स टू द पावर एन बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन बी वन एक्स एंड बी नॉट। तो अब बोलो तो ये दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, ए प्लस जी, ए प्लस जी का मतलब क्या होगा, ए एन प्लस बी एन एक्स टू द पावर एन ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस ए नॉट प्लस बी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलो तो, दिस इज द एडिशन ऑन आर एक्स, ठीक है। तो एडिशन ऑन आर एक्स में हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब जो हम लोग ऑपरेशन देखेंगे, तो एक बात बोलो तो, ये तो एडिशन ऑन आर एक्स हुआ, तो अगर मैं एक बात तुमको पूछूं कि ये जो एडिशन ऑन आर एक्स है, दैट मीन्स ये जो आर एक्स है, अब बोलो तो एक ये तुम्हारा एडिटिव ग्रुप होगा। तो एक बात बोलो मुझे, रिंग के लिए पहले क्या था, रिंग में हम लोग क्या जानते थे कि आर प्लस के अंडर में क्या होगा, एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप, एंड आर डॉट के अंडर में क्या होगा, सेमी ग्रुप, एंड प्लस मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर क्या, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो अब एक बात सुनो, यहाँ पे मैं पहले तुमको पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आर एक्स है इसमें मैं एक रिंग स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीन्स आठों प्रॉपर्टी में होल्ड कराऊंगा। यहाँ पे पहले क्या करना है मुझे, ये जो आर एक्स है इसको क्या करना है, इसको मुझे एडिशन के द्वारा क्या करना है, इसको मुझे एडिटिव ग्रुप दिखाना है, सॉरी इसको मुझे एडिटिव मैंने क्यों लिखा, एबेलियन, मिस्टेक, दिस इज एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो मुझे एबेलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो मुझे अगर एबेलियन ग्रुप दिखाना है तो एक बात बोलो तो मैं क्या करूँगा, एबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए पहले मुझे एक बात बोलो, तुम कोई भी पॉलीनोमियल अगर लोगे, कोई भी दो पॉलीनोमियल अगर लोगे, ठीक है, उसको जब ऐसे ऐड करोगे, पहले मुझे बोलो यहाँ पे आर क्या है, आर इज ए रिंग, तो इसका मतलब देखो, तो जब मैंने ऐड किया तो ये जो कोएफिशिएंट आया, जो कोएफिशिएंट्स आया ये क्या है, ए एन प्लस बी एन, ए एन किसका एलिमेंट है, ए एन बी एन किसका एलिमेंट है, आर का, और आर तो रिंग है, जब आर रिंग है तो इसका मतलब एडिशन के द्वारा पहले क्लोज हो चुका है। तो आप देखो सिंपली देखो, तुम बोलोगे सर एक्स क्या करेगा, देखो एक्स एक जस्ट सिंबल है, ये जस्ट पोजिशन के लिए ऐसे यूज किया गया है, ठीक है, इसको एज ए सिंबल मानो, ठीक है। यहाँ पे मेन जो काम है ना, कोएफिशिएंट के लिए मेन काम है, ठीक है, यहाँ पे इसको पोजिशनाइज पोजिशन करने के लिए यूज किया। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कहाँ पे आ रहा है, कोएफिशिएंट आ रहा है रिंग से, तो उसका एडिशन करोगे, आर तो पहले से क्लोज्ड है क्योंकि रिंग हो चुका है ना, तो इसका मतलब ए एन प्लस बी एन करोगे वो भी तो आर का ही एलिमेंट होगा, सिमिलरली ए भी आर का एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जब ये आर का एलिमेंट है तो दैट मीन्स ए भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल ऑफ आर एक्स। एंड एसोसिएटिविटी का अगर मैं बात बोलूँ, एसोसिएटिविटी का मतलब एफ जी एच अगर तीन फंक्शन ले लूँ तो उसमें भी जो कोएफिशिएंट्स आएगा वो भी क्या आएगा, द कोएफिशिएंट्स आर फ्रॉम आर रिंग का, तो रिंग में क्या होता है, एसिडिटी होता है, तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि एसिडिटी होगा। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है मीन्स आइडेंटिटी ओवर एडिशन, तो एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी मैं बोलूँ तो मीन्स ऐसा पॉलीनोमियल बोलो जिसके साथ तुम कोई भी पॉलीनोमियल ऐड करोगे तो तुमको वही रिटर्न में मिलेगा। तो मैं तुमको क्या बोलूँगा, द कांस्टेंट पॉलीनोमियल, क्योंकि जीरो भी तो अपने आप में क्या होता है, जीरो भी तो अपने आप में एक पॉलीनोमियल होता है ना, कांस्टेंट पॉलीनोमियल जीरो, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल जो जीरो है उसके साथ तुम देखो तुम कोई भी, और यहाँ पे तो जीरो प्रेजेंट होगा, बोलो ए नॉट का वैल्यू जीरो ले लो और बाकी सबको जीरो कर लो, तो दैट मीन्स जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं अगर तुमको पूछ रहा हूँ रिंग का जीरो एलिमेंट क्या है, दैट मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो जीरो एलिमेंट होगा कौन, बोलो तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट जीरो है वही तुम्हारा जीरो एलिमेंट है। इसका मतलब तुम कोई भी पॉलीनोमियल यहाँ से उठा के अगर जीरो के साथ ऐड करोगे, जीरो तो यहाँ पे है, ए नॉट का वैल्यू जीरो ले लो और बाकी सब जीरो कर लो, तो दैट मीन्स ए नॉट क्या होगा, जीरो, और जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जीरो एलिमेंट इज द कॉन्स्टेंट जीरो। तो मैं अगर यहाँ से तुमको बोलूँ, यहाँ से मैं लिखना चाह रहा हूँ, देखो पहले अगर लिखूँगा देखो कि यहाँ पे जीरो एलिमेंट कौन है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि जीरो एलिमेंट कौन है, देखो तो जेड एक्स में यहाँ पे जीरो एलिमेंट है तुम्हारा, जीरो एलिमेंट कौन है, जीरो एलिमेंट इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल दैट मीन्स जीरो। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया, क्लोजर का बात, वो तो तुम बोल दोगे कि यहाँ पे रिंग हो रहा है तो इसका मतलब कोएफिशिएंट जो है वो सब रिंग से आ रहा है, तो एडिशन इज क्लोज्ड ओवर आर, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो तुम्हारा यहाँ पे आर एस का कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब सुनो, जीरो एलिमेंट तो मैंने बोल रहा है जीरो पॉलीनोमियल, अब यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है बोलो तो, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इस केस में, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, द एडिटिव इनवर्स इज एफ एक्स अगर लोगे, एफ एक्स का क्या होगा, माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, एफ क्या था, एफ क्या था, ए एन एक्स टू दी पावर एन, तो यहाँ पे एडिटिव एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए एन एक्स टू दी पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, माइनस ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, माइनस ए एन माइनस ए वन एक्स माइनस ए नॉट, ये तुम्हारा हो गया एडिटिव इनवर्स। अब मुझे एक बात बोलो तो, मैं अगर तुमको पूछूं कि यहाँ पे ए प्लस जी इज इक्वल टू जी प्लस एफ होगा, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एबेलियन प्रॉपर्टी, एक बात बोलो ए प्लस जी का मतलब क्या है, ए प्लस जी का मतलब क्या है कि तुम क्या करोगे, एक्स टू दी पावर एन के साथ देखो ए एन प्लस बी एन है ना, तो जी प्लस एफ में क्या होगा, ए एन प्लस बी एन ना होके बी एन प्लस ए एन होगा ना, यहाँ पे ए प्लस जी में ए एन प्लस बी एन आएगा, तो बट जी प्लस एफ करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, बी एन प्लस ए एन आएगा। पहले मुझे बोलो आर क्या है, आर इज ए रिंग, तो आर अगर रिंग है तो एडिशन के द्वारा वो क्या हो चुका है, एडिशन के द्वारा रिंग में जो ऑपरेशन आर था उसके द्वारा, ए आर का जो रिंग जब आर बोल रहा हो ना तो उसका एडिशन क्या होगा बोलो तो, क्योंकि रिंग में एक एडिशन डिफाइंड है, और यहाँ पे एडिशन क्या डिफाइंड है, अभी तो मैंने तुमको समझाया कि सेम डिग्री का क्या करना है, मोनोमियल्स, सेम डिग्री का जो मोनोमियल्स है उसका कोएफिशिएंट ऐड करना है, तो यहाँ पे an प्लस बी एन और bn प्लस एन सेम है, an माइनस वन प्लस bn माइनस वन इक्वल टू क्या, bn माइनस वन प्लस an माइनस वन, कारण क्या, रिंग इज ए कॉम्यूटेटिव, सॉरी रिंग कॉम्यूटेटिव नहीं, मैं एक गलत बोल रहा हूँ कि r इज कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर एडिशन में r कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ होगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आर एक्स इज एन एबिलियन ग्रुप, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आर एक्स इज एन एबेलियन ग्रुप, ओवर क्या बोलो, आर एक्स इज एबेलियन ग्रुप, सॉरी अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, एडिशन का मतलब समझ पा रहे हो, एडिशन ऑन ऑन दिस। ठीक है, तो ये मैंने एडिशन के द्वारा आर एक्स को क्या दिखा दिया, आर एक्स माने क्या, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स क्या बोलो तो, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर। ठीक है, इसको मैं अभी अरब किया, अभी मुझे क्या करना है, मुझे तीन ठो और बाकी है, क्या बोलो तो, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्लोज्ड, एंड सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या बोलो तो, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद मैं स्पेशल कुछ एग्जाम्पल पे आऊँगा, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेनली हम लोग पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर आज काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑन आर एक्स, तो अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑन आर एक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑन आर एक्स, तो एक बात देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑन आर एक्स में, पहले तो मैं एक बात बोल दूँ कि मल्टीप्लीकेशन आर एक्स में तुम कैसे काम करोगे, पहले मानो कि एक्स टू दी पावर आई इंटू एक्स टू दी पावर जे है, तो इसका मतलब तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर आई प्लस जे। ठीक है, तो मैंने जस्ट बेस सेम है तो उसको ये कर दिया, अगर मैं एक मोनोमियल लूँ, सपोज मैंने एक मोनोमियल लिया ए एक्स आई इंटू बी एक्स जे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बोलो तो, ए बी एक्स आई प्लस जे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन मैंने किया। अब एक बात और देखो कि मैं यहाँ पे अगर, तो यहाँ से मैं एक बात बोलो, ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कहाँ से आ रहा है, ए बी आर से आ रहा है। ठीक है, तो एंड ये जो ए बी है, ए बी क्या आएगा, आर से ही आएगा ना,
ए एक्स आई कोएफिशिएंट कहाँ से है, कोएफिशिएंट कम्स फ्रॉम आर रिंग, बी इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम रिंग रिंग आर, तो दो एलिमेंट ए बी जो है जब मैं इसको प्रोडक्ट किया तो ए बी भी आर से ही आएगा ना, कारण मैं क्या जानता हूँ आर इज ए रिंग, तो आर अगर रिंग है तो मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या होगा क्लोज होगा, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ए बी एक्स आई जे ये कहाँ पे होगा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एक्स, ये आर एक्स में होगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसको अगर जनरल वे में इसको अगर समझाना चाहूँ कि सपोज अगर मैं जनरल वे में समझाने से पहले माने जनरल मल्टीप्लीकेशन एफ आर जी का करने से पहले मैं कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज मैं माना कि लेट एफ, लेट एफ एक है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एंड जी इज फोर एक्स क्यूब टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे एफ जी को एफ इंटू जी क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या करोगे इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो थ्री एक्स स्क्वायर इंटू क्या फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस सेवन फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा ट्वेल्व एक्स टू द पावर फाइव सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स माइनस सेवन, तो यहाँ पे देखो तो अब मैं पावर को क्या करूँ डिक्रीजिंग सेंस में लिखना है मुझे, ट्वेल्व एक्स टू द पावर फाइव यहाँ पे आएगा थर्टी फोर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स माइनस सेवन, देखो तो क्या हो रहा है ए बी ये दो पॉलिनोमियल को मैंने पॉलिनोमियल इंडेक्स ओवर आर, ठीक है। तो अब देखो ये जो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो एलिमेंट्स आया यहाँ पे एफ इंट जो जो वैल्यू है यहाँ पे देखो क्या ए आया, तो आप मुझे बोलो तो ए भी क्या है, ए भी तुम्हारा पॉलिनोमियल इंडेक्स ओवर आर है, ठीक है। तो अब देखो मैं अगर जनरल वे में अगर इसका मल्टीप्लीकेशन तुमको समझाना चाह रहा हूँ तो कैसे होगा देखो एक बार, कि सपोज मैंने यहाँ पे देखो कि मैंने क्या लिया कि एफ एफ जो है ना एफ को मैंने लिया कि लेट एफ ए एन एक्स टू दी पावर एन बी सॉरी ए एन एक्स टू दी पावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स ए सॉरी यहाँ पे तो ए वन होगा ए वन एक्स ए नॉट, ठीक है। तो मैंने एन डिग्री का एक पॉलिनोमियल इंडेक्स लिया, ठीक है, कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम आर, ठीक है, आर से आ रहा है इसका मतलब नंबर भी हो सकता है, मैट्रिसेस भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मींस रिंग का एलिमेंट जैसे कुछ भी हो सकता है इसका कोएफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, सपोज मैंने एक जी लिया एंड जी जी लिया क्या बी एम एक्स टू द पावर एम बी एम माइनस वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन बी एम माइनस टू एक्स टू द पावर एम माइनस टू एंड सो ऑन बी वन एक्स बी नॉट, ठीक है। तो एफ आर जी अब इसका मुझे क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किस हिसाब से करेंगे, देखो एफ जी एक बात बोलो तो सबसे मैक्स लार्जेस्ट डिग्री क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन के साथ एक्स टू दी पावर एम मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स टू दी पावर एन प्लस एम आएगा ना, तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि एफ जी जो है वो क्या होगा एफ जी होगा तुम्हारा एक्स टू दी पावर एन प्लस ए में आएगा, तो दैट मीन्स पी पी लिखो पी सफिक्स में क्या एन प्लस एम पी एन प्लस एम एक्स टू दी पावर क्या एक्स पी एन प्लस एम क्या है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ पी एन प्लस एम एक्स टू दी पावर एन प्लस एम पी एन प्लस एम माइनस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस एम माइनस वन एक डिग्री घटा दिया मैंने, उसके बाद क्या होगा पी एन प्लस एम माइनस टू एक्स टू दी पावर एन प्लस एम माइनस टू एंड सो ऑन लास्ट में क्या होगा तुम्हारा होगा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो एंड सो ऑन पी वन
एक्स टू दी पावर वन दैट मीन्स एन पी नॉट। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे पी साफिक्स में जो कुछ है पी एन प्लस वन बोलो, पी एन प्लस एम माइनस वन बोलो, पी एन प्लस एन माइनस टू, पी वन, पी नॉट, पी टू, इसका वैल्यू क्या होगा? तो सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि पी के, पी साफिक्स के, वेयर के कम्स फ्रॉम जीरो टू एन प्लस एम। तो मैं अगर जनरली लिखूँ, देखो यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कि लिखो फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एन प्लस एम, एन प्लस एम फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू एन प्लस एम। तो यहाँ पे पी के जो होगा ना, पी सफिक्स के, पी सफिक्स के क्या होगा देखो। अब तुम बोलोगे सर पी सफिक्स के का मतलब क्या है यहाँ पे? सपोज मैं अगर तुमको पूछूँ कि पी फाइव क्या है, बोलो तो पी फाइव, पी फाइव का मतलब क्या है? दिस इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या, पी फाइव एक्स फाइव। तो एक्स फाइव का कोएफिशिएंट का मतलब क्या है बोलो तो? एफ जी क्या है? एफ इंटू जी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी। अब बोलो एक्स टू दी पावर फाइव का कोएफिशिएंट आना, इसका मतलब एफ जी का टर्म्स को मल्टीप्लाई करना। अब देखो तो एक्स टू दी पावर फाइव का मल्टीप्लाई, एक्स टू दी पावर फाइव का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एफ का एक्स टू दी पावर फोर के साथ जी का एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर एफ का एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा पॉसिबल है ज़्यादातर ही हर एक केस में ही। तो इसका मतलब वो सबका कोएफिशिएंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा, सेम सेम डिग्री का जो कोएफिशिएंट्स है, सेम सेम डिग्री का जो टर्म्स का जो कोएफिशिएंट्स है। तो यहाँ पे पी फाइव का मतलब क्या है? एक्स फाइव का मल्टीप्लाई करने से एक्स फाइव का जितना सारा टर्म आएगा, ठीक है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है, एक्स फाइव का टर्म का कोएफिशिएंट आए तो उसको सबको ऐड करना है, वो होगा पी फाइव। तो देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेम बात यहाँ पे पी के, अगर मैं पी टेन बोलूँ तो सेम बात, एफ का जो मोनोमियल्स है इसके मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग, जहाँ पे एक्स टेन आएगा उस सबको लेके जोड़ना पड़ेगा, तो जो आएगा वही तुम्हारा होगा कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पे देखो पी के का मतलब सिंपली अगर मैं लिखूँ, पी के होगा तुम्हारा ए आई बी जे समेशन। अब तुम बोलोगे सर एक इसी हिसाब से, जहाँ पे आई प्लस जे क्या होगा बोलो? के। अब तुम बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो देखो एक बात बोलो, अगर मैं तुमको बोलूँ यहाँ से, अगर मैं तुमको यहाँ से बोलूँ कि तुम मुझे एक बात बोलो, तो यहाँ से मैं अगर तुमको बोलूँ पी नॉट क्या होगा, पी नॉट, पी नॉट का मतलब क्या है? पी नॉट का मतलब यहाँ से बोलो कि आई आर जे जोड़ने से साफिक्स जे, समझ पा रहे हो? तो ए आई बी जे कहाँ पे है? साफिक्स में है, तो आई आर जे जोड़ने से जीरो होगा, पी नॉट का मतलब तो ही है ना, तो पी नॉट का मतलब तो बोलो आई आर जे, तुम नेगेटिव नहीं कर पाओगे, जीरो से स्टार्ट करना है, तो जीरो जीरो, तो ए नॉट बी नॉट। अब तुम यहाँ पे देखो तो एफ जी को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे कॉन्स्टेंट टर्म कब आएगा? जब ए नॉट और बी नॉट मल्टीप्लाई होगा तभी तो पॉसिबल है ना, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो पी नॉट ए होगा। अगर मैं पूछूँ पी वन क्या होगा, पी वन माने, पी वन मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, तो एक्स कोएफिशिएंट कब आएगा बोलो तो? एक्स कोएफिशिएंट कब आएगा? जब तुम ए वन एक्स के साथ बी नॉट को मल्टीप्लाई करोगे और ए नॉट के साथ बी वन मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ से सिंपली तुम क्या बोल सकते हो, ए वन बी नॉट, ए वन बी नॉट, या फिर ऐसे लिखो ए नॉट बी वन, ए वन बी नॉट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं तुमको पूछूँ कि पी एन प्लस एम क्या होगा, ऐसे चलता जाएगा, अगर पी एन प्लस एम पूछूँ, पी एन प्लस एम का मतलब क्या है कि पी एन प्लस एम, एन प्लस एम इक्वल टू सॉरी आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस एम, तो आई को एन ले लो और जे को क्या ले लो, जे को एम ले लो। तो यहाँ से मैं पी एन प्लस एम क्या बोल सकता हूँ कि ए एन बी एम, देखो वही तो आएगा कि ए वाला टर्म, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये हो रहा है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन रूल है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो अब एक बात कि मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आर एक्स क्लोज होगा, बोलो आर एक्स में क्या था? आर एक्स में सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन एक्स ओवर आर, ओवर आर। तो अब बोलो कि जो तुम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई करने के साथ जो कोएफिशिएंट्स आ रहा है क्या आ रहा है बोलो तो? कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? कोएफिशिएंट आ रहा है ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी वन, ए वन बी नॉट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बोलो तो? ए आई और बी जे का मल्टीप्लाई हो रहा है ना। पहले मुझे बोलो ए
ए आई बी जे, ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहा था कहाँ से आ रहा था, रिंग से आ रहा था ना। मैंने क्या बोला था, ये जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स इन क्या, इन एक्स ओवर आर, ओवर आर का मतलब क्या है, ये सब जो कोएफिशिएंट आया है वो रिंग से आया है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब रिंग से आर रिंग है तो आर रिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लीकेशन जब करोगे कोएफिशिएंट का वो भी क्लोज होगा, क्योंकि आर तो क्लोज है, रिंग पहले बोल दिया मतलब वो क्लोज है, और जब तुम ऐड करोगे तो ऐड के द्वारा तो क्लोज होगा ही होगा, क्योंकि एडिशन के द्वारा वो क्या हो चुका है, बोलो, एडिशन के द्वारा वो तो एबिलियन ग्रुप भी है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या होगा, ये जो सब कोएफिशिएंट्स आ रहा है ना, ये सब क्या होगा, आर में ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिंस आर इज ए रिंग। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, क्लोज्ड ओवर क्या, ओवर ऑन आर एक्स, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड ऑन आर एक्स। अब देखो एसोसिएटिव का अगर बात बोलूँ, मल्टीप्लीकेशन के द्वारा जो एसोसिएटिव का बात है, तो एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो कोएफिशिएंट्स आएगा वो क्या आएगा, वो कोएफिशिएंट्स ए नॉट बी नॉट, ए वन बी वन, ए थ्री बी थ्री, ये सभी तो आएगा ना। और वो जो कोएफिशिएंट्स है वो कहाँ से आया है, बोलो, मीन्स ए आई बी जे, ये सब कहाँ से आया है, ये सब आया है तुम्हारा रिंग से। तो इसका मतलब रिंग का एलिमेंट्स है, अब आर का रिंग का एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन भी करना पड़ रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्लोज्ड है, ठीक है। तो एंड एसोसिएटिव भी है, क्योंकि मैंने तो बोला था कि जो एलिमेंट्स आएगा क्लोज होगा, तो इसका मतलब रिंग का होगा, और रिंग का जब है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव ऑन क्या, आर एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों होगा, बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, देखो एक बात तो पहले क्लियर कर लो, एक्स जो है ना ये जस्ट एक सिंबल है, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना कोएफिशिएंट के ऊपर हो रहा है, और कोएफिशिएंट का जो, कोएफिशिएंट में जो एलिमेंट्स आ रहा है ना वो रिंग का एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब रिंग का जब एलिमेंट्स आ रहा है तो इसका मतलब रिंग तो पहले से ऑटो प्रॉपर्टी होल्ड कर चुका है, तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो भी वो प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, इसका मतलब आर एक्स क्या होगा, रिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से तुम मुझे बोल सकते हो कि सर इस रिंग में, ये जो रिंग हो गया, अब यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि ये जो आर एक्स है इसमें आइडेंटिटी कौन है, आइडेंटिटी मतलब यूनिटी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, यूनिटी। देखो तो कॉन्स्टेंट वन, उसको ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। तो एक बात हम लोगों ने क्या क्लियर कर दिया कि आर एक्स, ठीक है, आर एक्स इज ए रिंग, आर एक्स प्लस डॉट इज ए रिंग, ठीक है, ओवर ओवर क्या, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस रिंग, द रिंग इज सेड टू बी, द रिंग आर एक्स, द रिंग आर एक्स प्लस डॉट इज सेड टू बी पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स ओवर आर, आर के ओवर में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अच्छा, अब देखो, अब मैं तुमको देखो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे तुमको समझा रहा हूँ कि ये रिंग कैसे ये हो रहा है आर एक्स में। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें चले जाओ, जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर वन, जेड एक्स, अब बोलो तो ये क्या है, दिस इज द, ये क्या होगा बोलो तो, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन एक्स ओवर क्या, ओवर रिंग क्या है, यहाँ पे रिंग क्या है, जेड। तो इसका मतलब क्या है बोलो तो, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा ना वो कहाँ से आएगा, पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट आएगा वो कहाँ से आएगा, जेड से आएगा। पहले मुझे एक बात बोलो, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल जब तुम करोगे 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या क्या आएगा, इसमें तुम्हारा आएगा
माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। वन डिग्री में क्या आएगा, वन डिग्री में एक्स एक्स टू एक्स प्लस थ्री, सेवन एक्स माइनस वन एंड सो ऑन, कुछ भी अभी लिख लो। ठीक है, तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ। सेकेंड डिग्री में क्या आएगा, सेकेंड डिग्री में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। ठीक है, बट ध्यान में रखना है क्या बोलो, तो कोएफिशिएंट कहाँ से लेना है, कोएफिशिएंट लेना है तुम्हारा इंटीजर से। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ कि एक्स क्यूब भी आएगा, एक्स फाइव भी आएगा एंड सो ऑन, एक्स हंड्रेड, एक्स वन थाउजेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चलते जाएगा। ठीक है, ये जस्ट क्या है, मैंने क्या लिखा बोलो तो जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर जेड। अब सुनो कि यहाँ पे दो ऑपरेशन है, एक है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, सिंपली मैं अगर तुमको बोलूँ कि जो एडिशन है यहाँ पे क्या है, पॉलीनोमियल एडिशन, और जो मल्टीप्लिकेशन वो क्या है बोलो तो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल। अब बोलो मैं अगर तुमको पूछूँ ये जो जेड एक्स है ये क्या रिंग होगा, चलो देख लेते हैं एक बार। पहले मुझे बोलो कोई भी तुम दो पॉलीनोमियल यहाँ से जब उठाओगे तो जब तुम उसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो कोएफिशिएंट्स आएगा वो तो इंटीजर ही आएगा, तो दैट मीन्स क्लोज्ड। एसोसिएटिव भी होगा क्योंकि इंटीजर का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, क्योंकि मेरा जो एक्स है, देखो जब तुम ये दोनों को एसोसिएटिव में यूज करोगे ना तो तुम तो सेम डिग्री, सेम जो टर्म्स है माने सेम एक्स का जो सेम पावर है उसका जब कोएफिशिएंट को ऐड करोगे तो इंटीजर का ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे तो एसोसिएटिव होगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एसोसिएटिव भी होगा। अब आइडेंटिटी क्या है, आप बोलो तो एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स जीरो एलिमेंट। तो जब मैं तुमको जीरो एलिमेंट बोल रहा हूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी देखो तो यहाँ पे वो जीरो ही है। ठीक है, नंबर वाला जीरो ही यहाँ पे क्या है, जीरो एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो जीरो जस्ट ए सिंबल, और यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट है ना यहाँ पर नंबर जीरो ही जीरो एलिमेंट है। नंबर फोर्थ के एडिटिव इन्वर्स है सबका, सबका है। टू का क्या है, माइनस टू, टू एक्स प्लस थ्री का क्या होगा, माइनस टू एक्स माइनस थ्री, वो सब तो है, मैंने तो सब नहीं लिखा है ना, एंड सो ऑन करके लिख दिया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एडिटिव इन्वर्स भी सबका आएगा। उसके बाद एडिशन, यहाँ पे कोई भी दो पॉलीनोमियल लोगे तो ए प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ ही होगा, क्योंकि जो एडिशन है वो तो क्या होगा, कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर के बीच में होना है, और इंटीजर का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जेड एक्स क्या हो गया कि पॉलीनोमियल एडिशन के द्वारा क्या हो गया, तुम्हारा ग्रुप बन गया, एबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो नेक्स्ट काम क्या है बोलो तो, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो पॉलीनोमियल को तुम जब यहाँ से लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में जो आएगा वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कोएफिशिएंट क्या आएगा, सब इंटीजर ही है ना, आएगा ना, तो सब जब इंटीजर ही आएगा तो इसका मतलब जेड एक्स में ही इसी में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्लोज्ड। सेम बात जब तुम प्रोडक्ट करोगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोएफिशिएंट के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा, और वो जो कोएफिशिएंट वो इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करोगे जब इंटीजर के बीच में वो भी एसोसिएटिव होगा। एंड नंबर थर्ड वन इज माने और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो जो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जेड एक्स इज ए रिंग, तो जेड एक्स क्या है तुम्हारा, एक रिंग हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये रिंग क्या है, इसमें यूनिटी है, यूनिटी माने कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो तो यही है ना, तो दिस इज द यूनिटी, ये यूनिटी है, और ये क्या है, दिस इज ए जीरो एलिमेंट, ये तुम्हारा जीरो एलिमेंट है। एंड अब कॉम्यूटेटिविटी बोलो, कॉम्यूटेटिविटी होगा मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, क्योंकि इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे कि कोई भी एफ इंटू जी करने से जी इंटू एफ होगा। ठीक है, तो फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू क्या, जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो जेड एक्स है ये असल में सी आर यू बन गया। एक बात सुनो, ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम्पल बाद में बहुत काम में लगता है, रिंग के टाइम में तब मैं डायरेक्ट जेड एक्स ले लूँगा, और ये सब उतना कुछ नहीं बोलूँगा, उसके ऊपर सिर्फ चेक करूँगा कि ये सब प्रॉपर्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या किए, जेड एक्स क्या है, सी आर यू है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीग्रल डोमेन है, अदरवाइज फील्ड है। ठीक है, और भी बात आएगा, पी आई डी, यू आई डी, वो सब है, वो सब बाद में आएंगे। तो दिस इज ए सी आर यू। ठीक है,
अब मैं एक बात बोलूँ कि यहाँ पे ये तो सीआरई हो गया, सेम बात अगर तुम यहाँ पे क्या करते, अगर यहाँ अगर इसी जगह पे अगर मैं क्यू कर देता ना, सपोज मानो कि मैं इसको क्यू कर दिया, नंबर टू एग्जांपल देके अगर मैं इसको क्यू कर दिया क्यू एक्स, तो क्या होगा बोलो तो, सेट ऑफ पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर क्यू, तो इसमें क्या होगा बोलो तो, इसमें यहाँ पे जो नंबर्स मैंने लिया है उसमें फ्रैक्शन भी आएगा, 7/2 11/3 एंड सो ऑन, ठीक है, तो माइनस एंड सो ऑन, माइनस 3/9 -3/11 ऐसा कुछ आएगा, इसमें भी आएगा 2x 2/3x -1/5 इसमें आएगा 2/3, ठीक है, तो ऐसा करके आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे जस्ट क्या है बोलो तो, रैशनल नंबर्स कोएफिशिएंट जब हो जाएगा, रैशनल नंबर से जब कोएफिशिएंट आएगा, तो एक बात बोलो तो इसके लिए भी सेम बात होगा, जैसे इंटीजर के लिए हुआ वो सेम बात किसके लिए होगा, क्यू के लिए भी होगा, सिर्फ क्यू नहीं, यही बात मैं जब मैं क्यू के लिए बोल रहा हूँ, सेम बात मैं किसके लिए बोल सकता हूँ, आर एक्स, यहाँ पे देखो ये जो आर एक्स है ना, ये क्या है, दिस इज द रिंग सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो एक बात पहले मैं क्लियर कर दूँ, देखो ये क्या है, ये है जनरल नोटेशन पॉलीनोमियल रिंग का, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आर है ना, ये जो आर है ये क्या है, ये रिंग है, दिस इज द बेस रिंग, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और ये क्या है बोलो तो, ये तुम्हारा है पॉलीनोमियल रिंग, पहले तो एक रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे क्यू क्या है, क्यू इज ए रिंग एंड क्यू एक्स इज ए पॉलीनोमियल रिंग, ठीक है, तो आर एक्स इज ए बेस रिंग यहाँ पे, ठीक है, अब सुनो, मैंने यहाँ पे अगर तुम्हारा ये कर दिया कि सपोज मानो कि मैंने इस जगह पे क्या कर दिया, ये आर के जगह पे मैंने क्या लिया, रिंग के जगह पे मैंने लिया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो ये भी क्या होगा बोलो, इस टाइम में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल इन एक्स ओवर आर का मतलब क्या है कि जो पॉलीनोमियल्स होगा उसमें कोएफिशिएंट कहाँ से आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर से आएगा, तो इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, √2π, कोई भी रैशनल नंबर सब मिक्सड अप आएगा, तो इसमें तो सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल है ना, तो ये जो आर एक्स है तुम देखोगे ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा रिंग हो जाएगा, दिस इज अ पॉलीनोमियल रिंग का ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, असल में ये जो आर एक्स है ये तो जनरल नोटेशन है पॉलीनोमियल रिंग का, और पॉलीनोमियल रिंग में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर को कभी क्यू ले रहे हैं, कभी सेट ऑफ रियल नंबर्स ले रहे हैं, कभी जेड ले रहे हैं, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, कभी मैट्रिक्स का भी हम लोग रिंग ले सकते हैं, तो यहाँ पे ये है, अब तुम सी अगर करोगे, सी एक्स करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल्स इन एक्स ओवर सी, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, देखना ये भी तुम्हारा क्या होगा बोलो तो, ये भी तुम्हारा पॉलीनोमियल रिंग होगा, ठीक है, एंड द पॉलीनोमियल रिंग इज सीआरयू, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है, अब जो मैंने तुम लोगों को बोला था यहाँ पे कि एक एग्जांपल अगर मैं ऐसे लूँ कि देखो मैंने लिया क्या कि जेड टू एक्स का मतलब क्या है बोलो तो, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा तुम्हारा an x to the power n minus 1 एंड सो ऑन, a1x a0 such that यहाँ पे जो a1 a2 a जो आएगा वो कहाँ से आएगा, देखो ai comes from z2, और z2 का मतलब क्या है, z2 का मतलब होता है कि 0 और 1, ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, n जो है वो क्या है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, अब देखो तो अब मैं इसमें देखना चाह रहा हूँ एक बात, देखो मैंने जो बात बोला था यहाँ पे कि z2 में कितना एलिमेंट है, z2 में सिर्फ 2 एलिमेंट है, दिस इज़ द फाइनाइट रिंग, बट z2x में जब मैं काम करने जा रहा हूँ तो पहले मुझे बोलो तो z2x में एलिमेंट मैं देख रहा हूँ किस किस टाइप का है, पहले मुझे बोलो z2x में के कांस्टेंट टर्म आएगा, कौन कौन आएगा बोलो तो, 0 और 1, तुम बोलोगे सर 0 और 1 क्यों, 2 क्यों नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 का मतलब क्या है, z2 में 2 का मतलब क्या होता है, 0, -1 का मतलब क्या होता है, z2 में -1 का मतलब क्या होता है, -1 का मतलब तुम्हारा होता है 1, क्योंकि 1+1 0 होता है, इंटीजर z2 में काम चल रहा है, z2 माने 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 और 1 ही आएगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा कांस्टेंट होगा 0 और 1, ठीक है, अब 1 डिग्री का क्या होगा बोलो तो,
वन डिग्री का क्या होगा, वन डिग्री माने एक्स एक टर्म होगा। देखो सिंपल कैसे करना है, जीरो और वन हो गया ना, तो अब वन डिग्री माने एक्स होना पड़ेगा, तो एक्स के साथ जीरो जोड़ो तो एक्स आएगा, एक्स के साथ वन जोड़ो एक्स प्लस वन। अब बोल के सर टू डिग्री चाहिए मुझे, तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ जीरो जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ वन जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक्स के साथ एक्स जोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। देखो ये सब आ गया और नहीं आएगा। अब तुम बोलोगे सर सर ये भी तो आएगा, जैसे तुम बोलोगे सर फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, फोर एक्स आएगा प्लस टेन आएगा, तो मैं बोलूँगा देखो फाइव एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन ये क्या होता है जानते हो, जेड टू में फाइव का मतलब क्या होता है, टू से डिवाइड करो वन आएगा, तो दिस इज वन इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड फोर एक्स फोर टू से डिवाइड करो जीरो आएगा, तो दिस इज जीरो इंटू एक्स, एंड टेन का मतलब क्या है जीरो, तो इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर, देखो ये असल में ये जीरो जीरो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना है, देखो तो तुम्हारा जो कोएफिशिएंट है ना वो कहाँ से आएगा, वो तुम्हारा जेड टू से आएगा जीरो और वन। तुम बोलोगे सर कोएफिशिएंट अगर कोई भी इंटीजर होगा तो मैं तो उसको जीरो और वन में रिड्यूस कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे किया। सेम बात अगर क्यूबिक के लिए करोगे तो क्या करना है, एक्स क्यूब के साथ जीरो जोड़ो, एक्स क्यूब के साथ वन जोड़ो, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, इसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड सो ऑन। ऐसे तुम फोर्थ डिग्री करना। तो एक बात देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर मैं तुमको पूछूँ कि टेंथ डिग्री का कितना टर्म है तो वो फाइनाइट होगा, अगर मैं वन डिग्री का टर्म बोलूँ तो दो ठो है, टू डिग्री का चार ठो है यहाँ पे जेड टू में, ठीक है। तो जेड टू में ये सब एलिमेंट्स है एंड सो ऑन, बट जेड टू में कितना एलिमेंट है बोलो तो दो ठो फाइनाइट रिंग, बट जेड टू एक्स में कितना एलिमेंट है इनफाइनाइट। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जेड टू, नोट लिखो यहाँ पे कि जेड टू इज ए फाइनाइट रिंग, फाइनाइट रिंग बट क्या बोलो तो, बट जेड टू एक्स इज इनफाइनाइट रिंग। क्यों समझ पा रहे हो इनफाइनाइट रिंग क्यों है, कारण यहाँ पे डिग्री का बात आ जा रहा है। यहाँ पे जब तुम एक बात सुनो, यहाँ पे कोएफिशिएंट और डिग्री, कोएफिशिएंट तुम्हारे पास दो अवेलेबल है, एक है जीरो और एक वन जेड टू में, बट डिग्री कितना पॉसिबल है, क्योंकि ये तो पॉलीनोमियल है ना, सेट ऑफ पॉलीनोमियल्स, और पॉलीनोमियल का डिग्री वन टू थ्री फोर फाइव हज़ार दो हज़ार ऐसे करके कर सकते हो, तो इस हिसाब से जेड टू एक्स में बहुत सारे आएगा। इस हिसाब से मैं तुमको जेड थ्री एक्स भी बोल सकता हूँ, मीन्स कोएफिशिएंट्स कम्स फ्रॉम जीरो वन टू, ठीक है, जेड थ्री माने जीरो वन टू। तो ए हो गया तुम्हारा, ए तुम्हारा आ गया पॉलीनोमियल रिंग, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिंग था पॉलीनोमियल रिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे ना वो तुम्हारा काम करेंगे कि सेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या करता है, एक रिंग फॉर्म करता है, उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, और भी कुछ टाइप का एग्जांपल्स है। तो आज हम लोग मेनली पॉलीनोमियल रिंग के ऊपर काम किए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगा एंड एनी प्रॉब्लम तो मुझे कॉल करना, ठीक है, बाय।